कुछ भाई लोग, इंडियन भाई लोग मिलने आ रहे हैं, उनके साथ चलते हैं थोड़ा उनको। तो भाई ये सेंटर के पास में है, तो भाई अपन ने जैसे बताया था कि मैं आ गया। लेडी है बड़ी। तो भाई सेम डे पर कंटिन्यू व्लॉग पिछले वाले से। ये है भाई मारियापुर का सेंटर एरिया। मैं जब आया था, वो जो मैंने रेस्टोरेंट पे खाना खाया था अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा, वो अपन ने यहाँ सेंटर से ही खाया था। सेंटर में रेस्टोरेंट था एक, एंड अब अपन यहाँ पे ब्लैक सी पे देखते हैं, अभी निकलते हैं, वरना अपने जो भाई हैं लेने आए हैं वो यहीं आएंगे मुझे लेने, तो मैं ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकता। तो ये सेंटर एरिया है भाई यहाँ का मारियापुर का। ज़्यादा कीव के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत नहीं है कीव के हिसाब से, जो कीव जिस हिसाब से कीव का सेंटर है क्रिस्टेटिक वगैरह उस हिसाब से नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत देखते हैं अपन एरिया इधर का कैसा है। फल वल गिरे हुए हैं नीचे, पता नहीं क्या फल है क्या है ये साले, अजीब सही है। मैंने जैकेट चेंज कर ली थी यार, थोड़ी गर्मी हो गई है, शर्ट सी पहन ली है, नीचे टी शर्ट थी। बाकी देखते हैं आसपास के एरिया कैसे हैं, थोड़ा सा आसपास घूम लेते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे अभी, बाकी तो शाम में देखेंगे, प्लान करेंगे कहीं का अच्छी जगह का। बड़ा प्यारा लग रहा है यार, वो ऐसे रोड जा रहा है नीचे की तरफ को, वो उधर दूसरी बिल्डिंग्स है वहाँ पे रोड जा रहा है प्यारा नीचे, पर ये सेंटर इधर आगे ख़त्म हो जाता है, तो अपन वापस इधर तरफ को जा रहे हैं। आगे देखते हैं यार क्या क्या सीन है, सब कवर करते हैं। पतझड़ का आ गया है मौसम, स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग क्या कहते हैं उसे, सारे हरे हरे पत्ते हो गए हैं पीले, झड़ने लग गए हैं थोड़े दिन बाद, ये भी नहीं दिखने के, बर्फ़ ही दिखने की है यहाँ पे। ज़्यादा सेंटर यहाँ पे खास नहीं है, नॉर्मल ही है। बाकी उस तरफ को आगे जाके लेफ्ट की तरफ को है, डेली कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा जितना हो पाएगा अपन से। मौसम भी तो यार ठंडा हो गया, मौसम के हिसाब से ठंडे ले आओ कपड़े, अब गर्मी के मत लेके आना बिल्कुल भी। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं अपने हॉस्टल के, हॉस्टल लोकेशन पे, हॉस्टल जाके दिखाते हैं हॉस्टल कैसा है, कैसा कैसा नहीं है, सब कुछ दिखाते हैं अंदर जाके, फिर रेडी वेडी होते हैं थोड़ा मुँह हाथ धो के नहा धो के, फिर अपन निकलेंगे थोड़ा घूमने फिरने, फिर दिखाएंगे जगह सारी, पहले पहुँच जाए आराम से, बैग सेट कर लें वहाँ पे। तो भाई आ गए थे अपने हॉस्टल में, ये पीछे ऐसे बेड वेड लगे हुए हैं, दिखाता हूँ हॉस्टल का आगे से भी। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करके, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद अपन चलते हैं बाहर, कुछ बच्चों से भी मिल लेंगे, एंड दो तीन जगह है बढ़िया बढ़िया वो भी दिखा देंगे, थोड़ी पीठ पाठ सीधी कर लेते हैं, आधे एक घंटे की नींद लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर। अभी तो टाइम भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, दोपहर से हमें निकलेंगे, फिर बाहर दिखाते हैं। बने रहो, देखते रहो पूरा व्लॉग, एंड पूरा देखना, तभी इस चीज़ पता लगेगी क्या 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 ऐसे कैसे है, सब कुछ दिखा देंगे बाहर जाके। सही है, सिटी इतना भी कुछ नहीं है, पर थोड़ा हाँ पुराना टाइप का, ये रशियन ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसा है भाई हॉस्टल हमारा, ऐसे बेड वगैरह लगे पड़े हैं, ये अपनी ट्यूबलाइट, ये अपन सो गए हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है जो मुझे चाहिए होती है हर जगह, वो है वॉशरूम। वॉशरूम बढ़िया है भाई, साफ सुथरा, मस्त, एकदम बड़ा खुला डुल्ला। थोड़ी देर में भी नहा धो के फिर जाएंगे आराम से बाहर घूमने, तब तक के लिए सो। तो भाई अपन उठ गए थे अभी, बस थोड़ा सा मुँह धोया, कॉम मेरे पास है नहीं, तो बस अपने कपड़े वपड़े पहन गए। ये पीछे अपना हॉस्टल है, इधर हॉस्टल लिखा है, अपन इधर को जा रहे हैं, अपने कुछ भाई लोग, इंडियन भाई लोग मिलने आ रहे हैं, उनके साथ चलते हैं थोड़ा, उनको एरिया वेरिया पता है, घूमते फिरते हैं। एंड ये पीछे देखो कैसे गाँव टाइप के वो है, गाँव से ऐसे बने हुए से, पता नहीं मेरे ख्याल से आर्मी कैंट है, पता नहीं मेरे को इतना आइडिया। चलते हैं उधर सेंटर की तरफ को, आ रहे हैं, रास्ते में चलते हुए थोड़ा सा गला गीला, मतलब गला खा पी के कुछ चलते हैं, फिर आगे आगे मिलते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, यहाँ की स्टूडेंट लाइफ की जानकारी आपको देते हैं आगे आगे पहुँच के। तो बस लगे रहो अब। बताया था कि मैं आ गया था यहाँ पे मारियापुर, तो मारियापुर में कुछ इंडियन बच्चे मिले थे, अब काफ़ी सारों का था क्वेरी थी कि मारियापुर के बारे में बताओ कि कैसा है यहाँ का लाइफ स्टाइल वगैरह, तो इनके मुंह से सुन लो अपने आप ही। एक डेढ़ महीना कितना टाइम हो गया, डेढ़ महीना। तो बस पाजी और अभी बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ का है। आप इधर आ जाओ पाजी, इधर आ जाओ आप, इधर आपको। तो ये तीन पाजी हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, मैं जब आया था मेरी रेलवे, आप रेलवे में, आप भी आए थे ना वहाँ से, कीव से हम बस बच्चों को लेकर,
हाँ, तो ये पाजी और भी अभी कीव से आए थे, थोड़ा काम था इनको वहाँ पे, तो अभी ये आपको बताएंगे कि क्या यहाँ का लाइफ स्टाइल है, क्या फायदे हैं यहाँ पे या नहीं है, या नुकसान क्या है। नुकसान तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही है, तो नुकसान बाकी आपको बता देंगे। बताओ भाई, आप लोग बताओ, आप बताओ चलो करके। हेलो, हम यूक्रेन में हैं, मारीपोल में। मारीपोल देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ पर बहुत मुश्किल आती है, यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता हमें आकर। और यूनिवर्सिटी का क्या सीन है? यूनिवर्सिटी वैसे तो सही है, पर इतनी अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटी भी, फिर भी अच्छा है। बाकी रहना खाने का क्या सीन है? रहना खाना सस्ता है, कैसा है रहना खाना? फिर भी कीव से थोड़ा बहुत सस्ता है, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अच्छा है। मतलब नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही चलता है हमारी फोन में। भाई आपको कितना टाइम हो गया? मुझे भाई जहाँ पे आए हुए डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीना हो गया, आपने क्या एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे, क्या सिस्टम है? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल का वातावरण बहुत बढ़िया है, लोग यहाँ की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। काम कितना परसेंट है यहाँ पे? काम भाई जहाँ पे तो थोड़ा कम है, काम है जीरो परसेंट है, जीरो परसेंट। हमने यार बहुत पता किया ना काम का, तो हमें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, लेकिन में काम है थोड़ा, उधर जाएंगे तो। मतलब यहाँ पे आने का फायदा है कुछ नहीं है? कोई फायदा नहीं है, बस ऐसे ही है, टाइम पास है। मतलब यार जिसने पढ़ाई करनी है, जिसने रियल में स्टडी करनी है एंड सस्ते में रहना खाना है, तो वो हमारी बुला सकता है, क्योंकि जिसने सिर्फ पढ़ाई करनी है, काम धंधे करने के लिए, अपने पंजाबी बंदे आते हैं सिर्फ काम करने के लिए, तो उनके लिए तो यहाँ पे बेकार ही है। तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि हमारी पुल के बारे में बताओ भाई, ये लोग यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं, काम कुछ इनको नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला अभी तक डेढ़ महीने में। नहीं भाई, बहुत मैंने तो बहुत ट्राई किया, मैं बहुत गूगल ट्रांसलेटर लेके इधर उधर घूमा, गूगल ट्रांसलेट लेके कभी कहते गया था, कभी कहते जाता हूं, जो सात बार कितने आने होंगे उनको भी किसी को नहीं मिला, नहीं किसी को नहीं मिला भाई, टैक्सी का काम तीन चार महीने हो गए इधर, किसी को काम नहीं मिला। और टैक्सी का यहाँ पे चक्कर मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ये, क्योंकि जब मैं आया ना रेलवे स्टेशन उतरा था, यहाँ पे चलती यूक्लोन है बस। हाँ, यूक्लोन एक ऊबर चलती है, ऊबर भी नहीं चलती, मैंने पूछा है ऊबर भी नहीं है, ऊबर भी बहुत कम है, ऊबर कम है, कम है। और लेकिन जो यूक्लोन का सिस्टम है, यूक्लोन में ये होता है कि ना, यूक्लोन में तो आइडिया बनती नहीं इंडियन की, जैसे बोल्ट में बन जाती है, ऊबर में भी बन जाती है, पर यूक्लोन में नहीं बनती। सबसे मेन चक्कर ये है यहाँ का, ये है कि यूक्लोन में बंदा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। और बाकी क्या लगा आपके बारे में कुछ? यहाँ तो बस यही है, काम नहीं है तो अपना खाली बैठे रहो, खाली बैठे रहो, कॉलेज जाते हैं, आ जाते हैं, फिर रूम में आकर फिर खाना बनाते हैं, खाना खाकर फिर। तो आपने इंडिया से गलतियाँ करी यहाँ के बारे में पता नहीं करा, तो बच्चे जो गलती करते हैं उनको बता दो ना कि वो क्या गलती करते हैं यहाँ के बारे में पता नहीं करते, क्या करते हैं? पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले जिस सिटी में आना है ना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लो, जनों के कहने पर जनसे में मत खाना। और जो ये कहते हैं कि ट्रांसफर कर देंगे, एनओसी दे देंगे, चले जाओ एक बारी, उसका कोई है फायदा? नहीं, कुछ भी नहीं है फायदा, वो तो ऐसे बोलते हैं, बोलने वाली बात है, वाली बात है। तो भाई यही है कि जब भी आओ तो पहले सर्च कर लो कि मैं इस सिटी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे कैसा है, तो उसके हिसाब से सोच के आओ। अगर पढ़ने आ रहे हो तो आ जाओ भाई, फिर तो किसी सिटी में चले जाओ, कोई चक्कर नहीं, फिर तो किसी गाँव में बैठ जाओ फिर जाके। पर लेकिन अगर काम करना है तो भाई कीव, ओडेसा भी कर सकते हो, लवीव भी कर सकते हो, तीन जगह में काम है। खारकीव थोड़ा थोड़ा ही, इतना भी नहीं है खास, इन तीन सिटीज में काम है, इन तीन सिटीज में जाओ, यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है मारीपुल में। बाकी अगर अच्छी जगह रहना है, सुंदर सी जगह है, तो सुंदर तो है मारीपुल, ऐसा नहीं है, सुंदर बहुत है। बाकी दो एक दिन में अपन और घूमेंगे फिरेंगे, आप पाजी और भी फ्री है घूमें, कल वहाँ चलते हैं सी पे दिखाने बच्चों को, दिन में चलेंगे दोपहर में, तो कल और जगह भी दिखाएंगे, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को मिलकर पाजी और से। इनका एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे कुछ काम वाम तो नहीं है, तो कोई फायदा नहीं यहाँ पे आने का। बाकी बने रहो, आगे आगे और चीजें दिखाते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? तो भाई ये सेंटर के पास में है, छोटा सा स्टेज टाइप या डांस वांस के प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे, आशिकियाँ चल रही हैं, बाकी अपन चल रहे हैं आगे आगे, दिखाते हैं बाकी सारा कुछ सीन से, कुछ खाते पीते हैं पहले। तो भाई जो अभी मैं बच्चों का एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, उसमें से कुछ बच्चों का मैं फेस हाइड कर दूंगा एक हाथ का, क्योंकि कुछ कुछ एजेंट्स प्रॉब्लम करते हैं एजेंट स्टूडेंट्स को कि तुम क्यों ये चीज़ें बता रहे हो, ये है वो है, जो भी है यार एक्साइजेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों की, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, बस उनकी बातें सुनना, मेन बात वो है। तो ये ब्लॉग जल्दी मिल जाएगा आपको, कल जाके एडिटिंग वगैरह करते हैं बस, तो फिर मिलते हैं आगे आगे। तो भाई भाई और से मिलके अपन हो गए थे फ्री, अपन चल रहे हैं एतबे, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं रात को, वरना कुछ बना लेंगे हॉस्टल में जाके, अगर वहाँ पर बर्तन वगैरह पड़े होंगे तो। तो बस अभी अपन निकलते हैं यहाँ से, निकल ही गए हैं एक तरीके से, वो लोग अपने हॉस्टल की तरफ हो गए हैं, तो बस अभी हॉस्टल पहुँच के फिर करते हैं बातें सारी आगे आगे पहुंच के। मस्त है यार वैसे जगह तो, बाकी कल और जगह जाएंगे घूमने फिरने, वहां पे दिखाएंगे जगह। भाई थोड़ा सा ले ले सामान, ये भी आ गया सबसे सस्ती।
दुनिया में सबसे सस्ती और अच्छी मार्केट है यहाँ पे, ऐसा लोग होता है उसका भाई देख लेना। उसके अंदर जाते हैं कुछ खाने पीने का लेते हैं सामान, फिर इधर ही सामने की तरफ ही जाके हॉस्टल है अपना, हॉस्टल जाके कुछ बनाएंगे खाएंगे तरह तरह कोई बड़ा बढ़िया सामान पेट भर के खाएंगे आज। तो भाई ट्रॉली ले ली है बड़ी, ट्रॉली ले ली है बड़ी, भाई सामान को डाला नहीं हुआ लेंगे यार, धीरे धीरे लेता हूँ सारा सामान। इधर उधर वाले सेक्शन में तो अपन ने जाना नहीं, इधर चलते हैं मैगी वगैरह उठाते हैं कुछ, बाकी ले लिया अपने रेड बुल, दही, सैंडविच, चीज़। ये भाई दारू दूरू का अपार्टमेंट, ये अपने लायक नहीं है, अपन लेते हैं अपना माल।